ऑपरेशन जागृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके दुरुपयोग को हम सभी लोग कैसे रोकें। इसके लिए लोगों गांवों के प्रति, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें आजीवन कारावास तक की सजा हुई, तो कुछ पढ़ते होंगे। अभी कल परसों की शायद हिंदुस्तान में उन्होंने इस चीज़ को रेज किया है और बड़े अच्छी तरह इस चीज़ को याद किया गया है कि पिछले दिनों एटा में 3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें दसियों निरपराध लोगों को नामजद किया गया, लेकिन पुलिस की सही इन्वेस्टिगेशन से। देखिए, आगरा जोन की एडीजी महोदया ने ऑपरेशन जागृति शुरू किया है और ये बहुत ही एक अच्छा अभियान है जिसमें बच्चियों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों को, महिलाओं को, सबको जागरूक कर रहे हैं कि बच्चियों को ढाल बना करके झूठे अभियोग पंजीकृत न कराए जाएं। बच्चियां हमेशा इस बात को लेकर ज़िंदगी भर परेशान रहती हैं कि हमने गलत मुकदमा लिखवाया है, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर, एक अनावश्यक रंजिश बढ़ती है उसका चक्कर, ये सारी बातें होती हैं। एलोपमेंट के केसेज आ रहे हैं, बच्चियां, बच्चे कम उम्र में घर से निकल जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, वो भी एक रंजिश बन रही है, मुकदमे कायम हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। तो ये चीज़ों में लोग चैतन्य हों, जागरूक हों, ये सब चीज़ें ना हो, बच्चियां भी जागरूक हों, इसके लिए ये एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दी जा रही है यूनिसेफ की तरफ से, थाने स्तर पर भी मीटिंग की जा रही है, इसके बाद सारे गाँव को हम लोग कवर करेंगे। कार्य योजना बन चुकी है, हर गांव में जा करके आंगनबाड़ी और से ले करके और ये ब्लॉक लेवल से भी सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, जनपद अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय से टीम इनकी लगी हुई है, सारे लोग मिल करके हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग भविष्य में देखिएगा, ये जो घटनाएँ जो हो रही हैं, फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं बच्चियों द्वारा खेत मेड़ और उसके विवाद में, उसमें और 363 IPC में निश्चित तौर पर कमी आएगी। धन्यवाद।